चूड़ारी जावला तू विखन कानी अंबड़ी मेहंदी अल्लड़ सब लड़ नुलानी अंबड़ी इसके लिए मुझे बस स्टार्टिंग चूड़ारी जावला तू भी चूड़ारी जावला तू भी कन कानी अंबड़ी चूड़ारी जावला तू भी कंकी अंबरी मेहंदी अल्लड़ सब लड़ नुलानी अंबड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान अलामा इकबाल का HD शाहीन ज़काउल्ला, जो के शादी के लिए तुर्की से एक खातून को ब्याह लाया है। ये हैं हमारी नई नेशनल भाभी तुर्कियान, जो के इंतहाई खूबसूरत हैं और इनकी लव स्टोरी इंतहाई मजे की है। ये शादी के बंधन में बन चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP में पढ़ा करते थे और ये वहाँ पर स्पोर्ट्स सोसाइटी के हेड थे। इनका ताल्लुक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से था। UCP में आंटी बिरयानी के नाम से एक फूड स्टॉल है जहाँ पर ये बिरयानी खा रही थी। इन्होंने लेग पीस उठाया और मुंह में अभी डालने लगी थी कि इनको याद आया कि थोड़ा सा रायता भी लगा लूं, लेकिन रायता इनके पास था नहीं। इन्होंने आंटी से कहा, आंटी थोड़ा सा रायता दे दे। यही बात भाई के दिल में उतरी और इनके दिल में इनको कॉर्नर वाला प्लॉट मिला। इन्होंने उसके बाद इनको प्रपोज कर दिया और प्रपोज करने के बाद इनके पीछे पीछे टर्की चले गए। टर्की जाकर इन्होंने इनके वालदैन को मनाया। टर्कियान 7 बहने हैं और इनका कोई भाई नहीं है। इस शख्स ने इनको अपनाया और इनके साथ शादी की। अब ये हंसी खुशी पाकिस्तान में रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ा करती थी तो कोई पाकिस्तान डे होता था, कोई टर्की का डे होता था, या पाकिस्तान टर्की की दोस्ती के हवाले से कोई भी पॉजिटिव इमेज ये पूरी दुनिया में जो दिखा सकती थी ये दिखाती थी। इसके साथ साथ लाहौर में मौजूद मुख्तलिफ कल्चरल सरगर्मियों को भी ये ना सिर्फ कवर करती हैं और पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। मुझे बताइएगा कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट हूँ लगता है। आपको इन्होंने प्रपोज कैसे किया? हमारी यूनिवर्सिटी में मेरी 7th सेमेस्टर था, ये भी सेम 7th सेमेस्टर में था। ऐसे बाद में हमारे अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर बाद में हमारे से शादी हो गई। यानी कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन उनका मिलाप UCP में होता है। हाँ जी बिल्कुल। आपने इनको जब प्रपोज किया तो सस्ते हुए थे या मतलब आप कॉन्स्टेंट थे कि नहीं शादी करनी है इसी से करनी है? मुझे इसकी उर्दू एक्सेंट बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था। इसको कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं बहुत शाय हूँ। उसने कहा कि मैं घर वालों की मर्जी से करूंगी। तुर्की में गया हूँ, इनकी फैमिली से मिला हूँ और 20 दिन 25 दिन उनके साथ स्पेंड किए हैं, तो तब ये एग्रीमेंट उन्होंने कहा है कि आप शादी कर सकते हैं। शाय क्यों थे, शर्मा क्यों रहे थे? मेरी फैमिली में कभी किसी ने लव मैरिज की नहीं है। तो आपको निशाने अतर मिलना चाहिए। आपने इनको प्रपोज किया, आप इनके पास गए, उससे पहले कुछ बातें आपको इनकी अच्छी लगी होंगी, कुछ UCP की भी मेमोरीज होंगी, तो वो मेमोरीज क्या थी? जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता था तो मैं बहुत बिजी होता था। स्पेशली ये अपने हॉस्टल से मेरे लिए खाना ले आती थी, कभी पानी ले आती थी, जूस ले आती थी, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि यार कोई केयर कर रहा है मेरी। इनको पानी जूस क्यों ला के देते थे, ये गिर पड़ते थे? बस खून दे के आते थे? नहीं ऐसा नहीं, बस प्यार था। शुरू में इन्होंने आपको प्रपोज किया होता, आपने ये नहीं कहा ये क्या है फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रपोज करने आ गया? नहीं, थोड़ा बहुत होता है। नहीं उस टाइम सेम फीलिंग्स था हमारे ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने क्यों नहीं इनको प्रपोज किया, इनको प्रपोज करना पड़ा, आप कर देती प्रपोज? मैं भी बहुत शाय हूँ, मैं नहीं कर सकती। ये देखे ये दोनों शाये हैं और माशाल्लाह दोनों ने शादी कर ली है, और जो शाये ना हो वो तो फिर। आपकी पहली मुलाकात UCP में कहाँ पर हुई थी? फूड स्ट्रीट है, बिल्कुल हमारी गर्ल्स हॉस्टल के साथ, उधर ही हो गया हमारी पहली मुलाकात। फूड स्ट्रीट में ये क्या कर रहे थे? ये दोस्तों के साथ बैठे थे। बिरयानी अपने पैसों की खाते थे या दोस्तों के खाते थे? बिरयानी खिला दो, फेंटा पिला दो। खिलाता है सबको। इसलिए अच्छे लगे? हाँ, नहीं। शादी के बाद फिर आप लोग हनीमून पे कहाँ गए? कुछ भी नहीं किया यार, लेके नहीं गया कितने भी तू? नहीं अभी ना बताएं, हनीमून पे नहीं लेके गया आपको? हम तुर्की लोग हनीमून के लिए जाते हैं, हम उधर ही रह रहे थे तो पास की सारी जगह। कितनी हनीमून आपको लेके गए? पाकिस्तान में कौन कौन सी आपने जगह अभी तक विजिट की? इस्लामाबाद, कराची, जमशेरों, उसके बाद नारान, क्वेटा, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, शेखर, काफी जगह, शकरगढ़, शेखुपुरा, फैसलाबाद। और कोई आप यार उनको हनीमून पे इसके साथ नहीं गया? ये भी नहीं लेके गया?
तो ये शादी से पहले तो इतने पैसे स्पेंड कर रहा था पे। मैं लास्ट साल इससे मिला ना, ये सारी जगह मैं उससे पहले जाकर विजिट। ये आपको क्यों नहीं, नहीं था ये क्यों नहीं लेके जाते आपको? क्यों नहीं लेके जाते आप? क्यों नहीं लेके जाते? इसकी हड्डियां तोड़ दें। मुझे कहते थे ना कहीं लेके जाने, तो मैं सिर्फ एम्पोरियम तक लेके जाता था, और जगह नहीं इसके पास। आप इनसे यार काइंडली आप इनको प्लीज कोई अच्छी अच्छी जगह जो है वो विजिट करवाएं। इस आपसे पहले ये शेखुपुरा, शकरगढ़, फैसलाबाद, ललियानी, पता नहीं कौन कौन सी जगह इन्होंने विजिट कर लिया। लाहौर देखा आपने? काफी। आपने लाहौर देखा? पूरा नहीं देखा अभी तक। वो आपको पूरा लाहौर किसी दिन दिखाएंगे। आप मुझे बताएं आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? लोगों की हॉस्पिटैलिटी। अगर आप कहते हैं ना मैं तुर्की शो, काफी ज्यादा लोग हेल्प करती है। आप पाकिस्तान में वीलॉगिंग भी करती हैं, रियल एंड पॉजिटिव फेस भी पूरी दुनिया को दिखाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि शायद आप तुर्किश भी नहीं है, तो कुछ तुर्की में पैगाम देना चाहें हमारे तुर्किश दोस्तों को भी पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तानी भी सुन लेंगे। Davet ettiğiniz için. Buradan Pakistan ve üniversitedeki, özellikle üniversitedeki bütün hocalarıma. Allahümme amin. क्या कहा गया आपने ये? बस मैंने कहा थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया, और मैं मेरी सारी पाकिस्तानी भाई और मेरी यूनिवर्सिटी टीचर का सलाम। पंजाबी आती है हल्की फुल्की? मुझे पंजाबी आती है। थले लाया तुसी? बताएं। मुझे पंजाबी समझ आती है, बोलना इतना ज्यादा नहीं है। ये हिज हैंड पैक्ड वट समझ, क्या समझ? रन मुरीद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थले लग गया। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है आप ज्यादा खाती पीती होगी, लेकिन सब्जियों में आपको क्या पसंद है? सब्जी में सबसे भिंडी, बैंगन, आलू, मटर, गोभी सारी मर गई तो। आलू मटर गोभी सारी मर गई तो। आपको इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है, और किस बात से आप इरिटेट होती है? बहुत गुस्सा करता है। अच्छा। जल्दी से इसका गुस्सा आता है इस चीज के, गुस्सा करते तो उल्टूबाजियां लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यही है कि सारे काम वो खुद कर देती हैं, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं। तो जी जो पाकिस्तानी खवातीन है उन्होंने नहीं सिर्फ शोहरों को आगे लगाया हुआ, ये टर्किश खातून जो है ये भी मतलब उसी नक्शे कदम पर चल रही हैं। तो टर्की में भी जो खवातीन है उनसे भी उनके हस्बैंड डरते हैं? बंदा डरता है लड़की। तो यहाँ पर बंदा डरता है ना लड़की? बंदा डरता है, बंदा डरता है लड़की, बहुत डरता। सेम कल्चर है ना? सेम कल्चर है। उस कल्चर पे आप भी इन पर हैवी हैं? बिल्कुल। कोई एक्सपेक्टेशन है माशाल्लाह कितने के बच्चे होंगे आपके? अल्लाह के हेल्प से, आई डोंट नो। अल्लाह दी देन ते है, लेकिन कोशिश तो करो। नहीं प्लान नहीं किया। आप क्या चाहते हैं कितने बच्चे होने चाहिए? हमारे दो बच्चे होने चाहिए। दो बच्चे? मुझे नहीं पता, उनसे तो पूछ लो, और उनसे पूछ ले पहले, वो सोफे में से बच्चे होंगे पहले पूछ तो ले। आपको ये रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन के जो हमारे सरबराह हैं अदील रियाज साहब, उनकी जानिब से, आरबीएस की जानिब से खूबसूरत सा परफ्यूम है, ये आपने लगाना है। माशाल्लाह आप में से तो खुशबू हो रहे हैं, आ रही है, ये भाई को भी लगाएं, और कोशिश करें भाई को सोरे से बॉडी स्प्रे भी लेकर दें हमारी तरफ से आपके तुर्की से। जी ये तुर्की से मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट लेकर आई हैं, इंशाल्लाह मैं इसको खाऊंगा, और जब जब मैं खाऊंगा इनको दुआएं दूंगा। आखिर में आपको एक तुर्की जुबान में पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं? बु वीडियो izleyenlere çok teşekkür ederim. Herkes kendisine iyi baksın. Yasir Bey'e çok teşekkürler ederiz bizi davet ettiği için. Allah emanet olun. देखा इन्होंने कहा यासिर भाई बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे इनको गालियां देते हैं, आप भी पैगाम देना चाहें? थैंक यू सो मच। ये क्या पैगाम दिया इन्होंने? बहुत लंबा। इनको मारे के ऊपर बैठ जाए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। ये हमारी तुर्की से आई हुई नेशनल बाबी जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं, और गोलू मोलू सी हैं, क्यूट से इनके हाथ हैं थब्बू थब्बू से, और जिस तरीके से इन्होंने भी आपस में पैगाम दिया वो इंतहाई खूबसूरत है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन उनका मिलाप यूसीबी में आंटी बिरयानी पर होता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज कॉन्टेंट या इस तरह की डिफरेंट शादियाँ हो रही हैं तो आप डेली पाकिस्तान पर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कॉन्टेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कोई पैगाम देना चाहें आखिर में? हाँ जी मैसेज। आप किधर हैं? मैसेज देना? हाँ हाँ पैगाम मैसेज। किसको दूं मैं मैसेज? पाकिस्तान अनु दे दे।